द खबरदार न्यूज के मुख्य संपादक श्री विजय मिश्रा जी निरंतर सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक परिवर्तनों और युवा विकास को समर्थन देने के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चर्चाओं का संचालन करते हैं। विजय मिश्रा मुखर होकर और जनता के साथ जुड़कर जनता की आवाज बन रहे हैं। वे समाज के हर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उनसे जुड़ने के लिए हमारे द खबरदार न्यूज फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। सड़क हादसे में ब्योहारी थाने के एएसआई की मौत। पीएम की वीआईपी ड्यूटी में सतना जाते समय हुआ हादसा। रीवा जिले के चरखी घाटी के पास की घटना। सड़क हादसे में दो की मौत। एक बाइक में सवार दो युवक जा रहे थे बैकुंठपुर, सामने से आई कार ने रौंदा, मृतकों की शिनाख्त नहीं। इंदौर एक के विधायक शुक्ला बोले सरकार बनने पर नाइट कल्चर बंद करेंगे। विजय वर्गीय के आरोप का दिया जवाब, कहा इंदौर दो में बिकता है सबसे ज्यादा ड्रग्स। बदलाव की अटकलों के बीच शिवपुरी से कांग्रेस नेता केपी सिंह ने भरा पर्चा, मीडिया से बनाई दूरी। बस में फांसी पर झूलता मिला हेल्पर। मेहर में मंगलवार रात का मामला, परिजनों ने देवी मार्ग जाम किया। सतना में पकड़ाया 8 लाख का गांजा। बांदा के तीन युवक गिरफ्तार, आउटर सिग्नल के पास ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश में धराए। ग्वालियर में ई वॉलेट ऑन करने के नाम पर ठगी। फोन पे शुरू करने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला का पेंशन अकाउंट किया खाली। बैंक खातों को लेकर चुनाव आयोग के नए निर्देश। जिले या विधानसभा में अकाउंट खोलना जरूरी नहीं, प्रदेश में कहीं भी खोलो खाता। एमपी में गुलाबी ठंड की दस्तक, पचमढ़ी सबसे ठंडा, टेम्परेचर 11 डिग्री, बाकी शहरों में पारा 20 डिग्री से कम। भीषण युद्ध में परास्त होकर धाराशाही हुआ रावण, अहंकार का पुतला दहन के बाद निकला श्री राम का विजय जुलूस, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उतारी आरती। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही मुख्य खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।